मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ ये एक्टिंग ही है मैं शायद नॉर्मल लाइफ में ऐसे बिहेव नहीं करूँ जैसे मैं आपसे बिहेव करूँ ये एक्टिंग ही है अपनी माँ से तुरंत बात करूँगी तो चेंज है आ, मम्मी सुनो थोड़ा पानी देना अगर मेरा प्रेम ही यहाँ आ जाए तो मैं उसको बोलूँगी अरे सुनो नहीं जरा बैठ जाओ जरा वो चेंज हो जाएगा अरे बैठो ना थोड़ा यहाँ पे बैठो ना मेरे बगल में हाँ तो वो मेरा शर्माना चेंज हो जाएगा अगर मैं मुझे अभी नहीं मन करेगा इंटरव्यू देने का तो मैं इतना इग्नोर करूंगी कि अरे तो वो चेंज हो जाएगा अगर मुझे गुस्सा आएगा यहाँ पे तो मैं सीधे बोलूँगी कि ये क्या क्या लगा रखा है यहाँ पे मेरा बिल्कुल मन नहीं है तो वो वो टोनल क्वालिटी भी चेंज होते होती है वॉइस बॉडी लाइन में आपके सामने ऐसे बैठी हूँ पर अगर मेरा कोई दोस्त आ जाएगा तो मैं बहुत रिलैक्स बैठूंगी मतलब हर एक इंसान से बिहेवियर बदलता है तो वही एक्टिंग है अब वैसी एक्टिंग फिल्मों में चलती नहीं है कि अब सिर्फ शाहरुख सर और सलमान सर आके बोलेंगे कि बाहें फैलाया और आ जाओ तो ही बाकी आप नवाज सर की एक्टिंग देखो आप पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग देखो वो बहुत न्यूट्रल एक्टिंग करते हैं जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग बोलते हैं पंकज सर कैसे करते हैं अरे क्या कैसे ऐसे कर दिए तुम हम तो कितने देर से बोल रहे थे आ जाओ मतलब तो वो ऐसी बात करते हैं क्यों पता क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही बोलते हैं बिहार का अगर मैं कोई कल्चर करूँगी तो हम तो मैथिली में बजवे ना उसको ही थोड़ा सा हिंदी को भी थोड़ा सा ऐसे अरे आपको समझ ही नहीं आता हम कितने देर से बोल रहे थे आप यहाँ आके बैठ जाइए आपको समझ नहीं आता है क्या तो मतलब कहीं बिहारी टोन आ हाँ जी अभी मैं मॉडल लड़की का कैरेक्टर करूंगी तो मेरा वॉक बदल जाएगा मैं हील्स पर चलूंगी तो वॉक बदल जाएगा मैं चप्पल पहन के और लुंगी बांध के चलूंगी तो मेरा वॉक बदल जाएगा तो वही है कि हर जीन्स में हमारा वॉक चेंज हो जाता है सूट में वॉक चेंज हो जाता है तो हमें यही सिखाया जाता है कि हम एक कॉस्ट्यूम को कैसे कैरी करें हम भाषा को कैसे कैरी करें आपने टीवी सीरियल में भी काम किया है तो उसमें क्या रोल था आपका मैं उसमें विलन प्ले कर रही थी तो मैं मैं विलन रहती हूँ, बट गुड विलन टाइप अच्छी विलन तो वो सीरियल जो है आपका वो जी टीवी पे आया हां जी वो जी टीवी वो पे कितना एप, एपिसोड आपने वहां चार पाँच एपिसोड का था वो हाँ मैंने एक फ़िल्म किया है शॉर्ट फिल्म द कॉन्फ्लिक्ट उसको इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला है शॉर्ट फिल्म आपने हाँ कॉन्फ्लिक्ट नाम से है यूट्यूब पे अवेलेबल है YouTube हाँ जी उसमें क्या रोल है उसमें मेरा एक जो क्रिमिनल है उसकी बहन का रोल है मेरा हाँ जी उसकी बहन बनी मैं बहुत इनोसेंट सा रोल है मासूम सा रोल है मैं गाना गा लेती हूँ अच्छा हाँ जी मैं आपको गाना सुना सकती का हो रामा पिया पार देश गए ओ हो, हो रात जैसे कारी नगिनिया हो रामा पिया पार देश गए परेश रावल सर हमारे चेयरमैन हैं हमारे एन के और बाकी सारे हमारे यहाँ से पास आउट्स हैं मतलब जो नवाज सर हैं या फिर पीयूष मिश्रा सर हैं वो सब हमारे पंकज त्रिपाठी सर हैं वो सब हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं एन पास आउट हैं वो वो बो, लोग आते रहते हैं आप लोग को एक्टिंग सिखाने हाँ जी वो हमें वर्कशॉप देने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए वो, वो आते हैं तो वो कहीं भी चाय की दुकान पर भी बैठ के आराम से गप्पे मारते हैं स्टूडेंट्स के साथ उनको बताते हैं फिल्म में कैसा काम करना है या वेब सीरीज़ में कैसा काम करना है वो ऐसे फ्रेंडली हैं बहुत अभी हमारे साथ प्रियदर्शनी पूजा हैं जो कि एक एक्ट्रेस हैं टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी हैं और एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा से एक्टिंग में पीजी कर रही हैं नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा जो कि न्यू दिल्ली में है जहां पूरे भारत से हर साल 27 स्टूडेंट का ही जो है वहां पर एडमिशन होता है जो कि कहीं ना कहीं प्रियदर्शनी पूजा ने काफ़ी संघर्ष किया और जो है एन में ये अब जाकर एक्टिंग सीख रही है और मैं आपको बता दूं कि प्रेस रावल नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर जो है इन्हें एक्टिंग सिखाते हैं और सबसे खास बात यह है कि ये बिहार के मधुबनी से हैं मधुबनी से ही इन्होंने बेसिक पढ़ाई अपनी पूरी की है यहीं से इन्होंने ट्वेल्व किया है और मधुबनी से ही इन्होंने डांस भी सीखा है और अब जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो है पी कर रही हैं एक्टिंग में तो इनसे हम बात करेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने आखिर कितना संघर्ष किया है कि आखिर जो है बिहार मिथिलांचल से पहली लड़की जो है एनएसटी जैसे इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन करा रही है और वहां से जो है एक्टिंग सीख रही है सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल थैंक यू सो मच जी मेरा नाम प्रियदर्शनी पूजा है मैं मधुबनी बिहार से हूँ यहां तक मैंने ट्वेल्थ किया है मधुबनी में ही और अभी मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग में पीजी डिप्लोमा कर रही हूँ और मैंने थिएटर किया है काफ़ी साल दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और मैंने फ्रीलांसिंग में थिएटर किया है सात आठ साल फिर मैं मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल से भी पास आउट हूँ मैंने कथक सीखा है और अभी फिलहाल जर्नी चल रही है जर्नी मतलब क्या एन में चल हाँ जी, जी। तो कैसे आप वहाँ पहुँचे क्योंकि आपने कहा सत्ताईस स्टूडेंट ही जो है एन में हर साल जाते हैं पूरे भारत ऑल ओवर इंडिया से तो आपका आप वहाँ कैसे पहुँचे कितना संघर्ष आपको एन जैसे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए करना पड़ा एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि मैं मधुबनी में रही हूँ सबसे पहली बात कि यहाँ पे थिएटर नहीं है तो इस वजह से मुझे तो खुद पता नहीं था इसके बारे में एन जैसे इंस्टीट्यूट के बारे में भी नहीं पता था इतने बड़े बड़े एक्टर वहाँ से पास आउट होते हैं ये भी नहीं पता था जब मैं यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने गई थी तब मुझे पता चला कि ये एक इंस्टीट्यूट है जो आर्ट के लिए है बेसिकली वो आर्ट को बढ़ाते हैं एक्टिंग uh, हो ड्रामा हो वहाँ स्टेज डायरेक्शन हो सब कुछ वहाँ पे पढ़ाई होती है इसकी और मुझे लगा कि मैं डांस कर सकती हूँ डांस में अपना करियर बना सकती हूँ क्योंकि मैं कथक सीख रही थी उस वक्त पर बेसिकली uh, मेरा डायरेक्शन मुड़ गया और मैं इस साइड आ गई क्योंकि मैंने एक जी टी वी एक सीरियल किया था डिटेक्टिव दीदी तो उसमें मैंने कुछ एपिसोड्स किए थे उसमें मेरा सेकेंड लीड रोल था तो फिर मधुबनी में मुझे लोग जानने लगे कि अच्छा ये लड़की है यहाँ पे काम और मैं उससे पहले सात साल से थिएटर कर रही थी जो कि मुझे लग रहा है कि कैमरा एक्टिंग से डिफ़िकल्ट है कि स्टेज पे आप पाँच सौ लोगों के सामने एक एक फ्लो में एक्टिंग करते हो मेरे फैमिली में, में मेरे पापा नहीं हैं मेरी मम्मी है सिर्फ तो पहले तो घर से निकलना ही बहुत डिफ़िकल्ट था मैंने यहाँ पे ट्वेल्थ किया बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप बिना फ़ादर के आप कहीं दिल्ली जैसे सिटी में जा रह रहे हो एन इंस्टीट्यूट बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ जैसे कि यू के एग्ज़ाम्स में प्री मेन्स इंटरव्यू होता है वैसे इसमें प्री है मेंस है इंटरव्यू है फिर पाँच दिन का वर्कशॉप है, उसके है हाँ जी बहुत लंबा प्रोसेस है उसकी एडमिशन आपको लिटरेचर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपको साहित्य जितने राइटर्स हैं आपके यहाँ की जो लोक कलाएँ हैं लोक गाथाएँ हैं प्रथा है आपको अपने बिहार अपनी मधुबनी के बारे में वहाँ के बारे में सारी नॉलेज सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको डांस आना चाहिए मार्शल आर्ट फॉर्म आना चाहिए थोड़ा बहुत आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए वॉइस अच्छी होनी चाहिए आवाज़ अच्छी होनी चाहिए फिज़िक अच्छा होना चाहिए आप अच्छे से बोल सकते हैं नाच सकते हैं गा सकते हैं लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा तो मेरा तो फोर्थ अटैम्प्ट में हुआ है मैं चार साल लगातार वहाँ पर देते रही हूँ कला सीखने के लिए भी पढ़ना पड़ता है हाँ जी बिल्कुल बहुत जैसे कि यूपीएससी करने के लिए पढ़ना पड़ता है वैसे ही मैं अगर कोई स्टेज परफॉर्मेंस करती हूँ तो मुझे या मैं कोई कैरेक्टर करती हूँ आज नवाज़ अगर कोई कैरेक्टर करते हैं नवाज़ सर तो वो उन उसके बारे में बहुत ब्रीफ़ जानकारी कि वो कैरेक्टर कहाँ से है उसकी भाषा क्या होगी अगर वो यूपी से है तो उसकी भाषा क्या होगी वो कैसे चलता होगा बैठता होगा उठता होगा वो आदमी तो आप एक्टिंग सीख रही हैं वो भी भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से तो आगे आपका क्या करने का क्या इच्छा है आगे आप क्या भविष्य में एक्ट्रेस ही बनना चाहती हैं या फिर क्या कहाँ तक आप संघर्ष करना चाहते हैं जी जब मैंने एन एस डी जॉइन किया था तो मुझसे यही सवाल पूछा गया था क्योंकि आपको जैसे यू पी एस सी और आई एस बनने पर पूछा जाता ना कि आप देश के लिए क्या करोगे बताओ आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करोगे वैसे मुझसे पूछा गया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि मैं अपने बिहार अपने ज़िले में जा कर काम करूँगी मैं मधुबनी में जा कर काम करूँगी पर वो वहाँ यहाँ वापस आके मुझे काम करने के लिए मधुबनी में वापस आके मैं काम करूँ या यहाँ लोगों को मोटिवेट करूँ उसके लिए मुझे एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना है कि मैं जब यहाँ आके बात करूँ इस चीज़ पर तो लोग मेरी सुने इसलिए नहीं कि मैं एनएसडी से हूँ एन पास आउट ऑफकोर्स मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ लेकिन एक नॉन पर्सनालिटी मैं फिल्म में काम करना चाहती हूँ मैं फिल्म करना चाहती हूँ मैं वेब सीरीज करना चाहती हूँ आगे जो भी एक्टिंग से रिलेटेड मुझे काम मिलेगा मैं वो करूँगी छोटा मोटा रोल मिल जाएगा तो वो आप करना चाहें मैं कैरेक्टर रोल्स करूँगी हाँ जी क्योंकि क्या छोटा सा रोल भी आपको मिल जाए तो आप नहीं छोड़ेंगी ऑफकोर्स क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको फिल्म के में और फिल्म में लेगा कौन पहली बात क्योंकि न, वहाँ पे फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं आलिया भट्ट है वो उस इंडस्ट्री से है मेन जो रोल्स हैं वो अब न्यू कमर जाते हैं स्टार्ट तो हो चुकी है अब अब नॉन फेसेस नहीं चाहिए उनको बिल्कुल ग्लैमरस फेसेस नहीं चाहिए पर जैसे शाहरुख ने किया तो ग्लैमर उतना नहीं भी हुआ फिर भी चल रहा था तो पर मैं कैरेक्टर रोल्स भी करूँगी अगर मुझे कैरेक्टर रोल्स मिल रहे हो चाहे छोटे हों बड़े हों ड मैटर क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ लीड रोल मिले तो ऑफकोर्स करूँगी कोई डायरेक्टर है कहीं फिल्म शूटिंग कर रहा है कोई लड़की पसंद आ गई उसे कोई लड़का पसंद आ गया डायरेक्ट बुला लिया उन्हें रोल दे दिया मैं लक में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती मैं मेहनत में बिलीव करती हूँ क्योंकि लक कभी कभी लग जाता है वो ताश के पत्ते जैसा लेकिन जो मेहनत है वो हमेशा रंग लाती है मैं अगर लक में बिलीव रहता तो मैं मधुबनी से 16-17 साल में उठ के सीधे बॉम्बे चली जाती मैंने इतना काम इसलिए किया और मैं तीन साल दिन रात मेहनत वो एन मींस पूरे दिन रात एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मैं मार्शल आर्ट भी जानती हूँ मैं आ, सारे फॉर्म्स जानती हूँ हाँ जी मैं डांस जानती हूँ मैं लिटरेचर पढ़ती हूँ वहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं तो वो सब कुछ जानने के बाद मैंने अपने आप को इतना ट्रेंड किया क्योंकि मैं आगे चल बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है सिर्फ तो ये एक्टिंग का शौक़ आपको बचपन से ही रहा या फिर आ, कुछ ऐसा लगा बाद में कि नहीं हमें एक्टिंग करना चाहिए एक एक्ट्रेस के तौर पे हमको उभरना चाहिए बचपन से ही रहा आव, ये जज्बा ये जुनून आप में आया ये शौक पैदा हुआ एक्चुअली मैं बचपन से डांस करती आई तो मुझे बहुत डांस का बहुत बाइक और बहुत क्रेज़ रहा है आ, मैं यहाँ पे अमित है अमित शो स्टॉपर ग्रुप में उनके साथ मैं बहुत छोटी थी तब से मैं डांस करते आई हूँ मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा है डा दा, डांस को लेके उसमें एक्सप्रेशंस देने पे मैंने बहुत फ़ोकस किया या मैं जो फील करती हूँ उसको बहुत फेस पे एक्सप्रेस कर देती हूँ तो एक्टर को वही चाहिए आप जितने शायद आप में भी उतनी फीलिंग्स होगी आप जितने बात करेंगे उसमें वो रौद्र भी निकलेगा कभी कभी प्रेम भी निकलेगा कभी विरह भी निकलेगा ये सब हमारे अंदर होते हैं सारे रस लेकिन उसको एक चैनलाइज करना ही एक्टिंग है आपको लगता है कि एक किसी तरह का कैरेक्टर दिया जाए तो आप उसे बेहतर से कर सकती हैं अभी फिलहाल हाँ जी बिल्कुल मुझे कोई कैरेक्टर और कोई सिचुएशन दिया जाए तो ऑफकोर्स इसी की ट्रेनिंग ले रही हूँ तो ये तो कर सकते हैं हाँ जी बिल्कुल कभी भी आपने कहा प्रेस रावल से भी मिले वो आपको सिखाते हैं अनुपम खेर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इसके अलावा Uh, काफी सारे जो एक्ट्रेस हैं वो हमारे यहाँ आते हैं मतलब एनएसडी uh, में आते हैं क्योंकि वो वहीं से पास आउट हुए हैं आ, आप लोग की बात होती है। हाँ जी बात होती है हमारे साथ क्लास लेते हैं वो जस... करते हैं वो किसी तरीके से जैसे हम और आप बहुत नॉर्मल बहुत डाउन टू अर्थ ऐसे चाय हाथ में लेके बहुत आराम से कि अरे यार चल ऐसे मतलब हम नॉर्मली लगता होगा कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं वो वैसे बात नहीं बिल्कुल क्योंकि हम उसी इंस्टीट्यूट में जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं और मैं उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ तो आपको लगेगा ना अरे मेरे इंस्टीट्यूट के इंसान तो वो हमारे साथ मेस में आके आराम से ढोकला और कुछ पाव भाजी खाते खाते भी बहुत आराम से बात करते हैं कि अच्छा बता तू कहाँ से अच्छा तू बिहार से कहाँ से

तत्कालिक चीज़ है ठीक है आप मुझे तो इतना टाइम अब नहीं मिलता पहले मैं लॉकडाउन में यहाँ थी तो मैंने काफ़ी रील्स बना के डाले जब मैं घर पे थी क्योंकि कुछ करने को नहीं था तो थोड़ा टाइम पास वो मुझे टाइम पास ही लगता है वो एक तरह से लेकिन जब मैं इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ तो फिर वो चीज़ मज़ाक की चीज नहीं रह जाती है जो सोशल मीडिया पे डालते हैं वो एक मजे की चीज़ है उसको कोई पॉजिटिव देखेगा देखेगा कोई नेगेटिव देखे आपकी बेसिक पढ़ाई से हुई हाँ जी मैं यहीं से पढ़ाई हुई है कॉलेज से पढ़ी है मैं रीजनल सेकेंडरी से टेंथ किया मैंने और महिला कॉलेज से ट्वेल्थ किया मैंने उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ जी मैं वहाँ से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी चलेगी वहाँ से बी कॉम ऑनर्स किया हाँ जी मैं गाना गा लेती हूँ अच्छा गाना हाँ जी मैं आपको गाना सुना सकती हूँ अगर सुनाइए अगर <laughs> आप गाना हम मैं एक डायरेक्टर हैं हमारे संजय उपाध्याय सर वो यहीं से अब, अ, म, पटना से तो उनका एक गाना है उनके प्ले का वो मैं सुनाती हूँ आपको <laughs> का से कहूँ मैं दर दिया हु पिया पर देश गए का से कहूँ मैं दर दिया हो रामा पिया पार देश गए सु हो श्रृंगार करके अंगना मिठड़ी सोले हो श्रृंगार करके अंगना मिठड़ी अटरिया कुह के कोयलिया कोलिया के अटरिया कुह के कोयलिया पतियों न भेजे भे रामा न दनवा पतियों न भेजे रामा निपट नदनवा रात जैसे हो oh, हो oh, oh, रात जैसे कारे नगिनियाँ हो रामा पिया पर गए और कोई गाना सुनाइए और कोई गाना ये दिक्कत हो जाएगी मैं थिएटर के गाने ज्यादा गाती हूँ अच्छा पुराना गाना सुनाती हूँ एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तू मेरे सपनों की रानी बनेगी मैं तेरा दीवाना बनूँगा रानी तू मेरी देवानी बनेगी एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तू मेरे सपनों की रानी बनेगी तो अब जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जितने लोग जिस कला को मतलब मानते हैं या आपके बच्चे उस कला में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उनको बिल्कुल सपोर्ट करें चाहे वो डांसिंग हो सिंगिंग हो एक्टिंग हो पेंटिंग हो क्योंकि उसका भी बहुत स्कोप है आगे वो भी बहुत आगे आप पैसे कमाना तो दूर की बात है एक मन की संतुष्टि भी होगी पैसे भी बहुत हैं आर्ट फील्ड में और वो भी एक करियर है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी यूपीएससी यही करियर है वो भी एक करियर है तो उसको एक करियर जैसे लें एक एम्बिशन जैसे लें आप अपने यहाँ की भाषा को बोलने में बिल्कुल मत हिचके चाहिए मैं हम मैं मधुबनी से छ मैथिली बाजे में बिल्कुल नहीं हिचके चाहिए क्योंकि अगर हम अपन यहाँ के कल्चर या अपन यहाँ के चीज़ जानबे तभी तो हम बाहर की चीज़ जान पेब बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं वो भी एक नेशनल लेवल तक पहुँचे